ऐसे टाइट करने का है, जैसे तेरे पेशकश में से टाइट करूं। हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम अपने गार्डन में लगा रहे हैं जाला। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा जाला लगा रहे हैं। ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये वाला हम लगा रहे हैं। और ये है डंडा, तो हस्बैंड जी लगाएंगे। पिछली बार जब आए थे ना, तब लेके आए थे ये, और तब हमने लगाया नहीं था क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और फिर ये आज लगा रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, मौसम ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। हाँ जी, हेलो, कैसी है ठंड है ना? और इनका फ़ोन आ गया फिर से, इनका फ़ोन ये बजा ही रहता है। तो हेलो दोस्तों, और इसकी तो मस्ती चली रहती है। और ये देखिए, पहले ये पाइप काटने हैं क्या? बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है आज तो। चलिए मैं आपको ना अपना, तब तक ये काटेंगे तब तक मैं आपको गार्डन दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इस एम ही ये बीच में घुसता रहता है। और ये देखिए, क्यारी से ना इस साइड को भी मैंने बिल्कुल इतनी सी जो लाइन है ना, इसमें भी धनिया लगा लिया है, पालक और धनिया, और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। वैसे ये जो वाइट स्टोन की जो दीवार है, इसके उस साइड को हमारा जो है क्यारी है। तो ये देखिए है यहाँ पे, पता नहीं, आप ढूंढ लो धनिया। और साइड साइड में ना मैंने ये प्याज लगा रखी है, तो पता नहीं ये तो शायद अब उखड़ जाएगी क्योंकि ये जाली जब हम लगाएंगे ना तब। तो ये देखिए, बाहर की जो क्यारी है वो इस साइड से है। और ये पत्थर तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आई हूँ। कहीं भी मेरे को ये पत्थर दिखते हैं ना, तो मैं चुपचाप से उठा के ना वो ले आती हूँ और यहाँ पर फिर इनको सेट कर देती हूँ। और अलग अलग कलर के हैं ये, और पूरे वाइट नहीं है, सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के मैंने ना ये लगा रखे हैं। और ये देखिए, क्यारी के उस साइड को देखिए इस तरह से। ये ना साग मैं बहुत बार निकालती हूँ, लेकिन ये फिर से उग जाता है। इसमें बीज वगैरह जो रहे होते हैं ना, क्योंकि मैंने इसमें ना पत्ता गोभी और ब्रोकली लगाई है। ये देखिए, ये ब्रोकली है और वो उधर पत्ता गोभी है, लेकिन ये साग ना बार बार दबा देता है इसको, तो ये फिर से मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे टमाटर, ये देखिए टमाटर कितना लंबा मेरा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे आज हम लगा लेंगे जाली, क्योंकि भाई फिर से अमरूद देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये है आरी, आरी है ना ये। लो, फिर से आपका फोन आ गया, इसको रख दो साइड में, ये बजता ही रहता है। हाँ, इसको बजने दो, ठीक है। नहीं खुला, चलो ठीक है, मैं खोलूं। ये खोलने का नहीं है, ये ऐसे टाइट करने का है, जैसे तेरे पेशकश में से टाइट करूं। नो 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 नो, अभी देखना तेरा बॉय पता नहीं क्या क्या उखाड़ देंगे। कौन सी साइड से? वैसे मैं ये
देखती हूँ यहाँ पे। हाँ तो भी रख दिया जाए, हेल्प करेंगे हम बॉय की। अब कहाँ लगाओगे? तो जी चलिए आज मैं आपको ना अपने घर के आसपास का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। देखिए ये सामने ना बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसके इधर ये आज ना मकान बन रहा है और यहाँ पे छत आज डल रही थी इसलिए ना छत की बहुत ज़्यादा मशीनों की आवाज़ें ना आ रही थी। तो अब देखिए ये डंडे ना हमने क्यारी के चारों साइड लगाने हैं और उसके बाद फिर ये जाली ना उसमें बांधनी है। और एमी की मस्ती तो हर टाइम चली रहती है और ये एक मिनट ये सुस्त बैठ जाए ना तो भी अच्छा नहीं लगता और शरारतें करता रहता ना तब भी गुस्सा आता है। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैं हस्बैंड की कर रही थी यहाँ पर हेल्प। और पिछली बार जब ये लाए थे ना तो हमें टाइम ही नहीं लगा और पिछली बार मेरे सारे अमरूद चोरी हो गए थे तो मैंने कहा चलो वो वाला सीज़न तो ख़त्म ही हो गया था, अब दोबारा से इसमें बहुत सारे लगे हैं तो इस बार तो मैंने कहा लगा ही लीजिए जाली, नहीं तो जो फिर से ये थोड़ा बड़े होने लग गया ना तो फिर ये सारे चोरी हो जाएंगे, तो इसलिए फिर ये जाली जो है हम लगा रहे हैं। और अभी ना अमरूद पकते भी नहीं हैं तो पकने से पहले ही ना लोग यहाँ से ले जाते हैं। और क्यारी में टमाटर वगैरह भी लगे हैं और साथ में ना कुत्तों से भी सेफ्टी रहती है, नहीं तो कुत्ते फिर यहाँ बीच में आ जाए तो फिर वो तो फिर क्यारी का हालत ख़राब कर देते हैं, इसलिए जाली लगाने से ना फिर ये सेफ़ हो जाएगी। और जो जाली का जो कलर लेके आए हैं वो भी ग्रीन है तो इसको लगाने के बाद अच्छी लग रही थी, पूरा एक मेकओवर हो गया हमारी क्यारी का। ये देखिए इस तरह से ये पड़ी है, एक साइड को हम इसको खुला रखेंगे और बाकी इसके तीनों साइड को हम ना ये क्यारी लगा लेंगे। और यहाँ पर हम सोच रहे थे कि कहाँ जैसे लगाएं तो थोड़ी सी क्यारी को हमने ना बाहर की साइड छोड़ दिया है, अंदर की साइड हमने इसको लिया है और छोटी सी क्यारी को बाहर की साइड हमने छोड़ दिया है। वैसे ये जो बाहर वाली जो हमने एक छोटी सी क्यारी बनाई है ये भी हमारी है पर इतना सा हमने इसको छोड़ दिया। और अभी मम्मी ना मेरे प्याज के पौधों को बचा रही थी कि ये बच जाए, वैसे हमारे पौधों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ, एक भी पौधा हमारा ख़राब नहीं हुआ, इस तरह से हमारी ये जाली फिर लगी है। और अगर आप मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल पे क्लिक करिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से मिल। We'll be right back.
तो ये देखिए थोड़े से ना यहाँ पे बैंगन थे, ये भी मैंने हार्वेस्ट कर लिए और कंप्लीट अब हमने जो है ये जाला लगा लिया है। और ये देखिए इस तरह से अब कुछ दिख रहा है और पूरी सेफ्टी हो गई गार्डन की। और क्रिसमस को भी मैंने नीचे से थोड़े से इसके और पत्ते निकाल दिए और बिल्कुल अब देखिए गार्डन का लुक जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। अंदर देखिए पूरे मेरे जो पौधे हैं वो सारे सेफ हो गए, सब्जियाँ वगैरह। और ये जो हमने नेट जैसे लगाया तो ये ना ग्रीन कलर की है तो इतनी बुरी भी नहीं दिख रही। और कुत्तों वगैरह से सेफ्टी हो गई, वैसे चोर का तो क्या है, वो तो अगर उसको ले जाना होगा तो ले ही जाएंगे, पर कुत्ते से सेफ्टी है। वैसे कुत्ते भी नहीं यहाँ आते हैं, पर कई बार जैसे हम घर में नहीं हुए तो फिर क्यारी में अंदर नहीं आ पाएंगे, इसलिए फिर ये जाली से ना पूरे गार्डन में सेफ्टी हो गई। और ग्रीन कलर से इतना बुरा भी नहीं दिख रहा, पहले मुझे लगा कि ये ना अजीब से लगेगा। तो आज की वीडियो मेरी यही है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।